आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मदरसा फातिमतुज़्ज़हरा और फातिमतुज़्ज़ाशा को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आज का जो मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है और एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगी। जो औरतें सर पे दुपट्टा नहीं लेती, जो औरतें सरों पे दुपट्टे का एहतमाम नहीं करती, अपनी जो बहनें हैं, अपनी जो औलाद है, उसको भी नहीं दुपट्टों का कहती या हजाब नहीं करती, तो अल्लाह के अजाब से उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जो ख्वातीन सरों पे दुपट्टा नहीं लेती, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन ख्वातीन के सर पर शैतान पेशाब करता है। तो बस्तफा तो बनबिल्ला, अल्लाह पाक हम सबको हजाब और दुपट्टा लेने की तौफीक अता फरमाए। तो आज की सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। अगर आपके घर में भी इस तरह का कोई मसला है, बहने बेटियां या आपकी वाइफ बीवी या कोई आपका रिश्तेदार कोई ऐसा है जो सर पे दुपट्टा ना ले, तो फौरन उसको तलकीन करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस सुनाए, तो हो सकता है उनका भी भला हो। गुर्बत से निजात का आज मैं वजीफा आपको बताने लगी हूँ। जो शख्स या कोई बहन भाई रोजाना या मालिक को 90 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा करे और इसको अपना रोजाना का मामूल बना ले, तो बरकत ही बरकत, रहमत ही रहमत, रिज्क के दरवाजे उसके लिए अल्लाह पाक ऐसे खोल देंगे कि उसकी नस्लें मालामाल हो जाएंगी, उसकी नस्लें सदका जारिया हो जाएंगी, उसकी पूरी नस्ल उस रिज्क को खाती रहेगी, कभी कम ना पड़ेगा। तो ये वजीफा आप एक दफा जरूर करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीद नहीं हूँ। अगर कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ है तो अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। अगर कोई आपने वजीफा पूछना है, अगर कोई रूहानी इलाज पूछना है, अगर आपने इस्तखारा करवाना है, तो अपनी इस बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी।